नमस्ते दोस्तों, हमारे वासुमा किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अंडे और टमाटर की सब्ज़ी। अंडे और टमाटर की सब्ज़ी हम एक अलग तरीके से आज बनाने वाले हैं। जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है कटा हुआ टमाटर, कटा हुआ कांदा, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटा हुआ हरा धनिया, दो अंडा, चिल्ली सॉस, नमक, मिर्ची पाउडर। अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई गैस पे रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हम इसमें तेल डालेंगे और तेल को हम गर्म होने देंगे। अब तेल गर्म हो चुका है हमारा, हम इसमें डालेंगे कांदा कटा हुआ, कांदे को हल्का ब्राउन होने देंगे। कांदा हमारा ब्राउन हो रहा है, देखिए ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसे भी मिला लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें कटे हुए टमाटर। इसे मिला लेंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालिए, मिला लीजिए। अब इसमें हम थोड़ा पानी मिलाएंगे। अब हम इसे ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम ढक्कन हटा के देख लेंगे, देखिए ये पक चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे सोया चिल्ली सॉस। चिल्ली सॉस या सोया सॉस, आप दोनों में से कौन सा भी डाल सकते हैं, इससे सब्जी को बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा। देखिए तैयार है, आप इसे पतला भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अंडा। अंडे को हम इस तरीके से फोड़ के डाल देंगे। देखिए इस तरीके से डाल के इस पे ढक्कन हम लोग रख देंगे इसे झक के पकने के लिए। अब हम देख लेंगे सब्जी को एक बार, देखिए ये इस तरीके से पक चुके हैं अंडे। देखिए कितना अच्छा ये दिख रहा है सब्जी का कलर। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। देखिए अंडा और टमाटर की सब्जी हमारी यहाँ पे बनके तैयार है। इस पे हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया। तो देखिए दोस्तों, हमने अंडा और टमाटर की सब्जी कितना अलग तरीके से यहाँ पे बनाई है। यह बहुत ही डिफरेंट है, बहुत अच्छी है, खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। आप इसे ज़रूर बनाइए और पसंद आए तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए।